हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ब्रीफ में एक 5-10-15 मिनट में हम लोग बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। वो बायोमैग्नेटिक के हेल्थ बेनिफिट क्या है और बायोमैग्नेटिक हमारी बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है। ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है स्कूल में। आज भी आप देखोगे कि 5वीं 6वीं 7वीं के स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं 5th 7th, उसमें मैग्नेट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज उनके बुक्स में है। लेकिन आज तक हम लोग जो खेलते आए हैं, जो फ्रिज पे लगाने वाला है, जो बचपन से हम खेलते आए, वो मैग्नेट ये नहीं है। ये टोटली डिफरेंट मैग्नेट है और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। किंग ऑफ मैग्नेट के बारे में हम बात करें, दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम बायो मैग्नेट, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा अर्थ एक खुद ही उस मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी निकलती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आज हम लोग बायोमैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे, बायोमैग्नेट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, वो हमारी बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी बॉडी में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने यहाँ पर बायोमैग्नेट्स डेवलप किया है, बायोमैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स हमने डेवलप किया है। उसके अंदर हम लोग अलग अलग साइज रखते हैं, 2x6, 3x6, 4x6, 5x6, 6x6, इस तरह के अलग अलग साइज हमारे पास है। और उसके अंदर 100 मैग्नेट, 200 मैग्नेट, 500 मैग्नेट, 1000 मैग्नेट, अलग अलग मैग्नेट हम लोग इंस्टॉल करते हैं और उस मैट्रिक्स को हम लोग पूरा साइंटिफिकली बनाते हैं। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में साइंटिफिकली, टेक्निकली और लॉजिकली समझेंगे और जो भी मैं बात यहाँ पर करूँगा उसको आप क्रॉस वेरीफाई गूगल के साथ या बड़ी बड़ी जो बुक्स है उनके साथ आप देख सकते हैं। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स कैसे काम करती है। इसके अंदर इस टाइप का जो बायोमैग्नेट्स होता है, तकरीबन 1 ग्राम का वजन होता है और ये है गॉस मीटर हमारा। ओके, ये गॉस मीटर के ऊपर हम लोग उसको मेजर करते हैं। जैसे इस गॉस मीटर को आप यहाँ पे रखोगे, इसको टच करोगे तो ये स्क्रीन के ऊपर इसमें कितना गॉस है वो दिखाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, वैसे मैग्नेट को हम लोग गॉस में मेजर करते हैं, राइट। तो गॉस मीटर मैंने आपको दिखा दिया और ऐसे हजारों मैग्नेट्स हम लोग उस मैट्रिक्स के अंदर डालते हैं। मतलब डिपेंड्स करता है साइज टू साइज क्या है, आपके साइज के हिसाब से हम लोग उसको बनाते हैं। तो ये तकरीबन 600 फीट नीचे से लाया जाता है। दिस इज द रेयर अर्थ नेचुरल नियोडिमियम बायो मैग्नेट। ओके, दिस इज द किंग ऑफ मैग्नेट, नॉट ऑर्डिनरी मैग्नेट। ऑर्डिनरी मैग्नेट के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी के साथ कंपैरिजन करना है या तो मैं आपको बताऊं, ये इतना छोटा सा मैग्नेट, ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है वो एक छोटा सा मैग्नेट जनरेट करता है। द ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट इज इक्वल टू 1 बायोमैग्नेट, दिस इज द 1 ग्राम बायोमैग्नेट। हम लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग इसमें मेजर करते हैं, लीटर, किलोग्राम, मीटर्स में। वैसे मैग्नेट्स को जैसे मैंने कहा वैसे गॉस में हम लोग मेजर करते हैं। और दिस इज द कंप्रेस टेक्नोलॉजी। अभी दुनिया कंप्रेस होती गई, छूटी गई। पुराने जमाने में पेजर आता था, वो गाड़ी के डिक्की में रखना पड़ता था। और अभी क्या हुआ, मोबाइल छोटे छोटे, पूरा कंप्यूटर छोटा छोटा आ गया। तो ये भी एक स्मॉल कंप्रेस टेक्नोलॉजी, दिस इज मैग्नेट इज अ कंप्रेस टेक्नोलॉजी। ये मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। और ये मैग्नेट खास करके जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनके कपड़ों के अंदर ये मैग्नेट फिट होता है। बिकॉज हजारों किलो मैग्नेट वो उनके कपड़ों में बांध के लेके जा सके। क्योंकि आपको मैंने जैसे कहा कि ये 1 ग्राम का मैग्नेट ऑर्डिनरी 100 किलो मैग्नेट का फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। तो इतना कपड़े में तो हम लेके जा नहीं सकते, ये इतना छोटा सा 100 ग्राम है। तो वैसे हजारों मैग्नेट्स एस्ट्रोनॉट के कपड़ों के अंदर होते, उनके जूतों के अंदर होते। बेसिकली ये क्यों एस्ट्रोनॉट के कपड़ों में होते भी मैं बताऊँ, क्योंकि ज़मीन से ऊपर हमारा ग्रेविटी फोर्स है। आपको मालूम, हमारा जो अर्थ है एक ग्रेविटी फोर्स है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स है। ज़मीन से 3000 किलोमीटर जब हम ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे 0 ग्रेविटी हो जाती है। और 0 ग्रेविटी के बाद वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन 0 ग्रेविटी में होता नहीं, वहाँ पे आदमी का मरने का चांसेस होता है। इसके लिए कपड़ों के अंदर वो मैग्नेट यूज़ किया जाता है। वही मैग्नेट हम लोग आपके मैट्रेस के अंदर यूज़ करते हैं जो एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है 125 साल के लिए बना हुआ है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट 125 साल चले, इस हिसाब से इस कुदरत ने बनाया है। लेकिन आज उसको 30 साल, 40 साल, 50 साल, 45 साल में हम लोग उसको बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई इसके ऊपर जाता भी है तो उसके बॉडी में कम से कम 8 से 10 प्रॉब्लम होते हैं। डायबिटीज़, हाई बीपी, लो बीपी, ये वो बहुत सारे, जॉइंट पेन, बैक पेन, बहुत सारे प्रकार के डिसीज उनके बॉडी में होते हैं। तो ये डिसीज होते क्यों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये डिसीज है क्या, हमारा जो बॉडी है ये एक स्पंज है, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। हमारा अर्थ एक मैग्नेट का गोला है और हमारा बॉडी स्पंज है, वो अर्थ के मैग्नेटिक पावर को अपनी ओर खींचता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा छोटे छोटे होल है, इसको माइक्रो होल बोला जाता है। उस होल के थ्रू
हमारा जो बॉडी है अर्थ के मैग्नेटिक पावर को खींचता है, जिससे टॉक्सिन बाहर निकलता है और मैग्नेटिक पावर को वो अंदर की ओर खींचता है, जो हमारा जो अर्थ है। और आज तक के रिसर्च में यही पता चला है कि अर्थ के ऊपर ही जीव सृष्टि है, बाकी कहीं पर भी नहीं है, बिकॉज अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक पावर है। अर्थ हमारा मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, इसके लिए इस दुनिया में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये पूरी कुदरत चल रही है, पूरी दुनिया चल रही है। ओके, बाकी किसी प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे जीव सृष्टि भी नहीं है। तो धरती पे जीव सृष्टि होने का कारण है कि यहाँ पर मैग्नेटिक पावर है, राइट। हमारा बॉडी मैग्नेटिक पावर को एब्सॉर्ब करता है, मैग्नेट हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करता है और उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, राइट। तकरीबन हमारे बॉडी के अंदर 300 अलग अलग फंक्शनिंग होती है। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, वैसे आप मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को भी देख नहीं सकते। इसमें से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है उस फ्रिक्वेंसी को आप देख नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन, इस रूम के अंदर ऑक्सीजन है लेकिन आप मुझे बताओगे, आप मुझे पूछोगे कि ऑक्सीजन कहाँ है, तो मैं आपको ऑक्सीजन दिखा नहीं सकता। वैसे ही मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी 100% इनविजिबल है और एनर्जी 100% इनविजिबल होती है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी खुद 10 से लेकर 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और इस मैट्रेस के ऊपर आप जब सो जाओगे तो वो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है उसको 70-80 पे उसको मेंटेन करता है। हमने आपके लिए बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बनाए, अलग अलग साइज है उसके अंदर, 2x6, 3x6, 4x6, 5x6, 6x6, और उसकी थिकनेस आती है तकरीबन 1 इंच, और उसके अंदर हम लोग ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बायोमैग्नेट इंस्टॉल करते हैं साइंटिफिकली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से। ऊपर के साइड में साउथ पोल होता है, नीचे के साइड में नॉर्थ पोल होता है, आपको साउथ पोल के ऊपर पीट करके सोना है, राइट। ये मैग्नेट हम डालते हैं इसमें 100 मैग्नेट, 200 मैग्नेट, 500 मैग्नेट, 800 मैग्नेट डाल के हम उस मैट्रेस को बनाते हैं साइज वाइज। जस्ट उसके ऊपर आपको सोना है, जस्ट जैसे सोते वैसे सोना है। ये हमारे जैसे आप सो जाओगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड सप्लाई करेगा, राइट। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैग्नेट को अट्रैक्ट होते हैं और उसके कारण हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमारा बॉडी का जो ईच एंड करोड़ों अरबों ब्लड सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, उसी के कारण हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखिए कुदरत जो काम करता है ना, हमें पता भी नहीं चलता कि कुदरत तो काम करता है। अब मुझे बताओ, दुनिया की सबसे फास्ट जो चलने वाली बुलेट है वो 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, स्पीड से जाती है। जब हम बैठेंगे तो हमको फील होता है कि वो चल रही है, लेकिन हमारा अर्थ पर सेकेंड 30 किलोमीटर के स्पीड से रन होता है, मतलब एक घंटे में वो 110,000 किलोमीटर का सर्कल कवर करता है और हमें पता भी नहीं चलता कि अर्थ हमारा घूम रहा है। और बुलेट 500 की स्पीड से जा रही पर आवर और हमें फील होता है। जो कुदरत जो काम करता है ना, वो हमें पता नहीं चलता है। तो जो इस मैट्रेस पे आप सो जाओगे तो इंटरनली ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है हमें पता नहीं चलता। अभी देखिए सिंपल चीज़ है, हमारे एडल्ट हार्ट को हर मिनट 5 लीटर ब्लड चाहिए, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे हार्ट को हर मिनट 5 लीटर ब्लड मिलता है, नहीं पता चलता ना। इसलिए नेचुरली जो काम हो रहा है ना, हमें फील नहीं होता है, लेकिन इंटरनली वो चलता रहता है, राइट। हमारी बॉडी ऑक्सीजन और मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारी बॉडी रन होती है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे डिसीज के ऊपर फाइट करने के लिए बहुत काम करता है। और इसके ऊपर अभी एक रिसर्च हुआ है और उसमें 3 साइंटिस्ट को नोबेल अवार्ड मिला है, क्योंकि इसमें सिंपल साइंस है, 99.99% डिसीज ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने के कारण ही आपकी बॉडी के अंदर वो डेवलप होता है। इंसान 3 दिन तक बगैर पानी का रह सकता है, 3 वीक तक बगैर खाने का रह सकता है, लेकिन 3 मिनट तक बगैर ऑक्सीजन का नहीं रह सकता है। तो आप जैसे उस मैट्रेस के ऊपर सो जाओगे हमारे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का 3 काम करती है। एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, और हमारे जो ब्लड सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को वो कैच करता है और सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, हमारे ब्लड सेल्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और मैग्नेट्स एक मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर चला जाता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर पेन है कहीं पे भी, हाथ में, पैर में, पीठ में, जनरली पेन होता है,
पेन होने का रीज़न ही उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है करके आपके बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, तो इस मैट्रेस के ऊपर सो जाओगे तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट करके ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगा। हमारे बॉडी के अंदर 70% ब्लड है और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, मतलब हर 100 ml ब्लड के पीछे आप हमारे बॉडी के अंदर 20% ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, लेकिन आज वो होता नहीं है। इसके लिए बॉडी में मल्टीपल डिसीज हमारे होते हैं, राइट। इस मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 400% बढ़ जाता है। इतना पावरफुल मैग्नेट है, मतलब मान के चलो ये एक मैग्नेट ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट के मुकाबले है, तो अगर हम लोग उस मैट्रेस के अंदर 200 मैग्नेट डालते हैं, मान के चलो 200 मैग्नेट डालते हैं, तो कितना किलो हो गया, 2000 किलो। 2000 किलो मैग्नेट आप अपने बेड पे रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो, नहीं। बिल्कुल आसान मैट्रेस है, एक इंच का थिकनेस आता है, 6x6, 3x6 अलग अलग साइजेस आती है, उसको आपके एग्जिस्टिंग बेड के ऊपर सिर्फ बिछा देना है और उसके ऊपर सो जाना है बेडशीट डाल के, और अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम सोने का करते रहिए, ओके। तो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, अगर ब्लड सेल्स आपके डीएक्टिवेट है और ब्लड सेल्स अगर डिसऑर्डर हो गए तो बॉडी के अंदर मल्टीपल डिसीज होते हैं। आपके ब्लड सेल्स अगर हेल्दी है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, और ये मैग्नेट हमारे ब्लड सेल्स को हेल्दी करता है, हमारे ब्लड सेल्स को पावरफुल बनाता है, एनर्जेटिक करता है, एक्टिवेट रखता है, ओके। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे हमें सोना क्यों है? बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोने से इन फ्यूचर हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसीज नहीं होगा। अगर कुछ हुआ है तो धीरे धीरे करके वो रिवर्स करेगा। जब तक आप अपने बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक, आपका जो बीमारी ठीक नहीं होगा, राइट। इसलिए हमको ये मैग्नेट मैट्रिक्स यूज़ करना है। दुनिया में अगर 300 टाइप के बीमारियां है तो जिसमें से 299 बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण ही आपके शरीर में होती है। फिर से मैं दोहराता हूँ, अगर दुनिया में 300 टाइप की बीमारियां है तो जिसमें से 299 टाइप की बीमारियां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण ही आपके बॉडी के अंदर डेवलप होती। इससे पहले जापान लाइफ करके कंपनी ने एक मैट्रेस लाया था, उस मैट्रेस से भी हमने 1000 गुना पावरफुल मैट्रेस डेवलप किया है। वो मैट्रेस 1.5 लाख रुपये में बिकती थी, उसका पावर होता था 25,000 horsepower, 50,000 horsepower। हमारी जो मैट्रेस है उसकी जो छोटी में छोटी मैट्रेस भी आप लेते हो 100 मैग्नेट वाली, तो 5 लाख से 5.5 लाख horsepower हम जनरेट करते हैं। जो हमारी बड़ी वाली मैट्रेस है उसके अंदर हम लोग 15 लाख से लेकर 18 लाख horsepower जनरेट करते हैं। तो इतना फर्क है टेक्नोलॉजी का, दिस इज द कंप्रेस टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैग्नेट। देखिए बंदा, जितने भी दुनिया में लोग हैं वो हर इंसान अलग अलग प्रोफेशन में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, कोई वकील है, कोई सब्जी बेचता है, कोई बिजनेस करता है, ये अलग अलग फील्ड में है, लेकिन हर बंदा रोज़ 7 से 8 घंटा सोता ज़रूरी। लेकिन आप जिस मैट्रेस पे आप सो रहे हो वो मैट्रेस आपको बिल्कुल भी हेल्थ बेनिफिट नहीं दे रही, तो आपको इस मैट्रेस के ऊपर सोना है। अगले 15 साल 20 साल आपकी बॉडी में अगर कोई डिसीज़ आपको नहीं चाहिए तो आपको इस मैट्रेस के ऊपर रोज़ सोना है, आपके फैमिली को भी सुलाना है, आपको भी सोना है, तो अगले 15-20 साल तक आपके बॉडी में कोई डिसीज नहीं होगा। अब इसके अलग अलग पैरामीटर्स हो, इन डिटेल्स हम समझेंगे क्योंकि 15-20 मिनट में समझाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल अगर आप परफेक्ट रखोगे तो आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं होगी। जनरली आदमी उसके जीवन काल में 30% बेड के ऊपर रहता है, मतलब सोता रहता है 25 से 30%, और बाकी काम होता रहता है, राइट। जैसे हमारा खुराक खाना है दाल चावल रोटी सब्जी, वैसे हमारे ऑर्गन पार्ट का खुराक है ब्लड, ओके। उसको ब्लड मिलना चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर 78 डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स है, और वो ऑर्गन पार्ट्स का खुराक है ब्लड और ऑक्सीजन। जैसे हम खाना खाते तो उससे ब्लड बनता है, और हमारे जो ऑर्गन पार्ट है उनका खुराक है ब्लड और ऑक्सीजन। तो जैसे आप उस मैट्रेस के ऊपर सो जाओगे तो हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड मिलेगा और हमारे ऑर्गन हेल्दी रहेंगे। अगर ऑर्गन हेल्दी रहेंगे तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, ओके। जैसे हमारे बॉडी के अंदर 70% ब्लड है और उस ब्लड के अंदर आयरन है, और आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, आयरन मैग्नेट को, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन होता है। आयरन जो होता है, आयरन के पास एक हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट होता है, और आयरन नाम का कंपोनेंट ही ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, ब्लड को आगे लेके जाने का काम करता है, ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन है, आयरन हमेशा मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, और एक 4 से 5 ग्राम का नेल बन जाए इतना आयरन हमारे बॉडी के अंदर होता है, राइट। और आयरन हमेशा
मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट हमेशा आयरन को अट्रैक्ट करता है। आयरन का काम है ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट के ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। तो इस मैट्रेस के ऊपर सोने के कारण आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और अपना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। इसको आप ऑक्सीमीटर में भी चेक कर सकते हैं। आप दुनिया, आपको कोई बीमारी है, आप कितना भी ऑपरेशन कर लो, कितनी भी सर्जरी कर लो, कितनी भी दवा कर लो, कितना भी एलोपैथी दवा कर लो, कितना भी आयुर्वेदिक दवा कर दो, कुछ भी करो, आप कुछ भी खाओ, जब तक आप आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपके बॉडी का वो डिसीज नहीं जाने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके, इस तरह से आपका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी मेडिसिन दवाइयाँ सब चालू रखो, सर्जरी ये वो सब चालू रखो, लेकिन आपको ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट करना है, तब आपकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन की डेफिशिएंसी आज ईच एंड एवरी पर्सन में है, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप हो, फिल्म स्टार सलमान खान हो, या रास्ते पे सब्जी बेचने वाला हो, हर एक के बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की डेफिशिएंसी है, राइट। ब्लड बॉडी के अंदर बीमारियां होती क्यों है? बिकॉज स्ट्रेस, डाइट, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, रेडिएशन, पोल्यूशन, एडिक्शन, इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल डिसीज होते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर टोटल 72,000 ब्लड वेसल्स है, और उस ब्लड वेसल्स के थ्रू कंटिन्यूसली हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो इस मैट्रेस के ऊपर सो जाएंगे तो ये जो 72,000 ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेजेस कभी नहीं होंगे, और ब्लॉकेज नहीं होने के कारण हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रपोर्शन में ब्लड मिलेगा, राइट। इसमें ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिशंस होता है, ऑक्सीजन होता है, इंसुलिन होता है, वाटर होता है, टॉक्सिन होता है, मिनरल्स होता है, वो सर्कुलेट करके बाहर करने का काम सर्कुलेशन का होता है। और ये मैट्रेस के ऊपर आप जब सो जाओगे तो प्रॉपर सर्कुलेशन होकर आपका बॉडी परफेक्ट हेल्दी रहेगा। Thank you very much.